हेलो स्टूडेंट्स तो वीकली रिवीजन टेस्ट आपके फिर से शुरू हो चुके हैं ट्वेंटी नाइन्थ से आपके वीकली रिवीजन टेस्ट शुरू हो रहे हैं क्लास इलेवंथ एंड ट्वेल्थ के लिए तो ये हमारे पास रिवीजन टेस्ट जो है वन आ चुका है हमारे पास टर्म वन का ट्वेंटी नाइन इलेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को यानी मंडे को जो होना है पेपर तो जल्दी से हम इसके सोल्यूशन कर लेते हैं तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है अ बेंट बो यूज फॉर अ शूटिंग एंड अ एरो प्रोजेस अगर हम एक आ, शूटिंग एरो में एक बो को बेंट कर दे तो उसमें कौन सी जो है एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है तो वो होती है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि इसका आएगा बी ऑप्शन पोटेंशियल एनर्जी इज़ द राइट आंसर ना उसके बाद है इन अ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन द रिलेटिव विलॉसिटी ऑफ बॉडीज़ जब एक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है तो आपको पता है वो दोनों बॉडीज़ है जो वो कंबाइन करके एक सिंगल बन जाती हैं तो उनकी जो रिलेटिव विलॉसिटी होती है वो उनकी ज़ीरो हो जाती है यानी कि आफ्टर इम्पैक्ट इज़ जीरो

पॉजिटिव वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑलवेज डिक्रीजिज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी और डी ए द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग द बॉडी ओवर अ क्लोज पाथ मे मे ऑल्सो बी अ नॉन जीरो इन सम सिचुएशन तो इसमें डी ऑप्शन गलत है क्योंकि वर्क डन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ऑलवेज क्लोज पाथ में जीरो होती है अगर नॉन कंजर्वेटिव होती तो फिर हम बोल सकते थे कि ये नॉन जीरो हो सकती है तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट right आंसर आएगा तो ये क्वेश्चन देखिए सारे कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जाने पहचाने मतलब जो हमारे पिछले जो वीकली रिवीजन टेस्ट हुए थे उनसे ही मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं ये तो मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाले क्योंकि एकदम से ही अनाउंस हो चुका है कल कल ही अनाउंस हुआ है कि बच्चों के जो वीकली रिवीजन टेस्ट लिए जाए और इनका रिकॉर्ड है जो वो फाइनली बोर्ड में भेजा जाए शायद हो सकता है इससे जो एलेवंथ एंड ट्वेल्थ क्लास के इंटरनल असेसमेंट टीचर्स मतलब के भेजते हैं वो इसी के बेस पे होगी तो दो दिन में इनका रिजल्ट निकाल के भेजना पड़ेगा टीचर्स को तो उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं ऑफ एज के लिए कौन सी है तो हमारी बी ऑप्शन इसमें राइट right आंसर है एक्सलरेशन इक्वल टू जीरो होना चाहिए उसमें नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन क्या है इसमें द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स रेडियस ऑफ जायरेशन है जो जो हम सेंटर ऑफ मास में पढ़ते हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता तो फिफ्थ क्वेश्चन में ए ऑप्शन इज द राइट आंसर मास बेसिक सेंटर ऑफ मास के लिए पता करते हैं बट ये एक तरह का डिस्टेंस होता है तो उसमें मास का कोई रोल नहीं होता तो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मास ना उसके बाद सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं हम सिक्स क्वेश्चन क्या है सिक्स क्वेश्चन फोर विच ऑफ़ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास इज लाई आउटसाइड द बॉडी इनमें से कौन सा है जिसमें सेंटर ऑफ मास है जो वो आउटसाइड द बॉडी लाई करता है तो वो है अब एंगल यानी कि सी ऑप्शन इसमें राइट right आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए नाउ नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम हैज अ सेम यूनिट एज एंगुलर मोमेंटम हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम को तो इसकी जो यूनिट है वो किससे मिलती जुलती है तो सेवंथ क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर इंपल्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की ही यूनिट बन जाएगी नाउ एट क्वेश्चन है एट हाइएस्ट पॉइंट ऑफ अ वर्टिकल सर्कल इज इक्वल टू तो ये क्वेश्चन पहले भी हमको पिछले आ, मतलब कि टेस्ट में आ चुका है तो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन थी स्टूडेंट्स को कि इसमें विलॉसी एट अ पॉइंट ऑफ अ वर्टिकल सर्कल ये एक वर्टिकल सर्कल है तो हाइएस्ट पॉइंट पे जो विलॉसिटी होगी वो हमारी सी ऑप्शन है अंडर रूट जी आर यानी कि ग्रेविटी मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ द सर्कल नाउ उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन द लॉ ऑफ द मोशन वेलड इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज तो नाइन्थ क्वेश्चन का जो हमारा आंसर बनेगा वो हमारे पास बी ऑप्शन है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही हम लॉ ऑफ मोशन को जो है वैलिड कर सकते हैं नाउ उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है टेंथ क्वेश्चन द एस यूनिट ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये तो बहुत ही ईजी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की एसआई SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कि हमारी बी ऑप्शन है नाउ इलेवंथ क्वेश्चन को देख लेते हैं हम विच फोर्स अमंग ऑल द बेसिक फोर्स इज स्ट्रॉगेस्ट इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट फोर्स कौन सी हम जानते हैं न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रोंगेस्ट फोर्स होती है इन चारों में से चूज द क्वान्टिटी हुज यूनिट इज ट्रीटेड एज अ डिराइव्ड यूनिट्स तो डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जिनको फंडामेंटल यूनिट से ही बनाया जाता है मतलब डिराइव किया जाता है तो लेंथ मास एंड टाइम तो ये ही है तो उसमें डी है जो ये डिराइव यूनिट्स की तरह इसको ट्रीट करेंगे हम न उसके बाद हमारे पास थर्टीन क्वेश्चन वैन वी मल्टीप्लाई फोर्स विद टाइम जब हम फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है तो फोर्स मल्टीप्लाई टाइम का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास इंपल्स यानी कि बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर आएगा हमारे लिए थर्टींथ क्वेश्चन का आंसर ना फोर्टीन क्वेश्चन है इन अ लीनियर मोशन अनर्शिया ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड बाय इट्स एक लीनियर मोशन में हम किसी बॉडी का जो एनर्शिया है वो वो किस में मेजर करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर मास अनर्शिया जो है वो मास पे डिपेंड करता है तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा नाव फिफ्टीन क्वेश्चन है न्यूटन सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड एंड थर्ड लॉ है जो ये लॉ ऑफ मोशन किस चीज़ को कंजर्व करने के लिए यूज़ होती है तो हम बात कर सकते हैं इसमें फिफ्टीन क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर लीनियर मोमेंटम क्योंकि दोनों में ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है तो हम बोल सकते हैं कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर नाउ दिक्सटीन क्वेश्चन ऑफ बॉडी इज अ टाइड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एंड रियल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल एक बॉडी को हमने एक धागे से बांध कर उसको वर्टिकल सर्कल की तरह घुमाया जा रहा है द फिजिकल क्वांटिटी दैट रिमेंस कॉन्स्टेंट इज इसमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो वो कॉन्स्टेंट रह सकती है तो सी ऑप्शन इज़ राइट आंसर टोटल एनर्जी इसमें जो है कॉन्स्टेंट रहेगी बाकी सब कुछ चेंज होगा तो इसके बाद हमारे ये सिक्सटीथ क्वेश्चन हो चुके हैं नाव हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन सेवनटीन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास अब सेवनटीन क्वेश्चन क्या है थ क्वेश्चन अ सर्कुलर डिस्क इज रोटेटिंग सर्कुलर डिस्क इज रोटेटिंग विद एंगर विलॉसिटी इफ अ मैन इज स्टैंड एट द एज ऑफ द डिस्क वॉक्स टूवर्ड इज सेंटर द एंगुलर विलॉसिटी ऑफ द डिस्क हमको पता है अगर सेंटर की तरफ जाए हम तो जो है मास का जो है डिस्टेंस डिक्रीज होता जाएगा और एंगुलर विलॉसिटी इंक्रीज होती जाएगी तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर सेवनटीन्थ क्वेश्चन के लिए हमारी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर नाउ उसके बाद हम देख लेते हैं ना क्वेश्चन नंबर एटीन इफ

एक सफ़ियर है जो वो किस्प के ऊपर नहीं रोल कर सकता अ स्मूथ ऑरिजेंटल सरफेस अ रफ ओरिजेंटल सरफेस एंड अ स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस अ रफ इंक्लाइंड सरफेस तो एक इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर नाइनटीन्थ के लिए हमारा सी ऑप्शन आएगा क्योंकि स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस में जो सफ़ीयर को बैकवर्ड फोर्स जो नहीं मिलेगी इसलिए वो इनक्लाइन रोल नहीं कर पाएगा द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी मूवमेंट ऑफ एनर्शिया आई इज कानैटिक एनर्जी हमारे पास हम जानते हैं डी ऑप्शन इज राइट आंसर हाफ आई एल स्केयर आई फॉर मूवमेंट ऑफ एनर्शिया एंड एल इज अंगुलर मोमेंटम ना उसके बाद ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हम विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ व्हील्स ऑफ सेम मास रेडियस विल हैव लार्जेस्ट मूवमेंट ऑफ एनर्शिया तो इसमें से लार्जेस्ट मूवमेंट ऑफ एनर्शिया वो रिंग का आएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ना ट्वेंटी सेकेंड द मूवमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ मोमेंटम जो ये किसका दूसरा नाम है तो ये डी ऑप्शन इज द राइट आंसर एंगुलर मोमेंटम को ही हम मोमेंट ऑफ मोमेंटम बोलते हैं नाउ द ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन इन विच फॉलोइंग केस इज द यूज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज यूजफुल अब एंगुलर वेलोसिटी किसी रोटेटिंग बॉडी के लिए यूज होने वाला कंसेप्ट है तो ट्वेंटी थर्ड का जो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर वेन अ बॉडी इज रोटेटिंग नाउ ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन है इसके बाद हम देख लेते हैं ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन इन द एबसेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क ऑन अ सिस्टम विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट चेंज अगर टॉर्क सिस्टम पे अप्लाई नहीं हो रहा है तो इनमें से कौन सी जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहेगा तो ट्वेंटी फोर्थ का हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही आएगा एंगुलर मोमेंटम ओनली एंगुलर मोमेंटम इसमें चेंज नहीं होगा नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फिफ्थ देख लेते हैं हम वेन अ मास इज़ रोटेटिंग इन अ प्लेन अबाउट एन अ फिक्सड पॉइंट इट्स एंगुलर मोमेंटम इज़ डायरेक्टेड अलॉन्ग अगर एक मास रोटेट करेगा प्लेन के प्लेन के अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट के देन एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग जो है वो डायरेक्ट करेगा एंगुलर मोमेंटम मतलब ट्वेंटी फिफ्थ का हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नाउ इसके बाद हम देख लेते हैं ट्वेंटी फिफ्थ के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है है द रिलेशन बिटवीन नो सॉरी ट्वेंटी एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स फोर टाइम्स कैनैटिक एनर्जी फोर टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू कीपिंग द मास सेम द न्यू लीनियर मोमेंटम विल भी अगर कानाटिक एनर्जी बॉडी को हम फोर टाइम्स कर दें यानी कि जो हमारे पास कनाटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वेयर इसको अगर फोर टाइम्स कर दिया जाए देन इट्स इनिशियल वैल्यू द कीपिंग द मास सेम द न्यू लीनियर मोमेंटम अब लीनियर मोमेंटम जो हमको पता है चेंज इन कानाटिक एनर्जी का इक्वल होता है तो वो हमारे पास ट्वाइस हो जाएगा मतलब कि हमारे पास ये जो आंसर है ये हमारे पास सी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर मतलब ट्वेंटी सिक्स का हमारा सी ऑप्शन जो है राइट right आ जाएगा ना उसके बाद हम देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम इज सिमिलर टू द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंग मोमेंटम के बीच में जो रिलेशन है वो किसके सिमिलर होता है तो ट्वेंटी सेवंथ का हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा ना उसके बाद हमारे पास ट्वेंटी एट्थ क्वेश्चन है अ गर्ल इज अ स्टैंडिंग ऑन अ रोटेटिंग प्लेटफॉर्म हैज हर हैंड्स लोड शी सडनली स्ट्रेच आउट हर आर्म्स द ऑफ एनर्शिया अगर एक गर्ल रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे अपने हाथों को लोअर कर ले तो जो मोमेंट ऑफ एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएगा यानी कि सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर ना इसके बाद हमारे पास जो है ट्वेंटी नाइन्थ से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं मतलब कि नमेरिकल्स इफ अ रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू द न्यू लेंथ डे विल बी तो ये नमेरिकल हम यहाँ पे सॉल्व कर, कर लेते हैं ट्वेंटी नाइन्थ नमेरिकल हम सॉल्व कर लेते हैं ट्वेंटी नाइन्थ के लिए हमको सबसे पहले तो हम मोमेंटम मान लेते हैं कि एल वन हमारे पास आयोमेगा के इक्वल होता है हम ये जानते हैं नाउ एल वन जो है हमारा रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो सफेरिकल शेप में है तो ये टू बाई फाइव डिस्क की शेप में तो इसका हमको पता है एम आर ओमेगा स्क्वेयर के इक्वल होगा मोमेंट ऑफ नशिया टू बाई फाइव एम आर स्क्वेयर के इक्वल होगा और उमेगा हम एंग्लोविलोसटी को कंसिडर uh, कर रहे हैं ये तो प्रेजेंट है जो मतलब प्रेजेंट एंग्लो मोमेंटम में एंड न्यू है जो वो हमारे पास एल टू के एक आएगा जो कि हमारे पास बनेगा टू बाई फाइव एम हो इसमें रेडियस को हाफ़ कर देंगे तो ओमेगा डैश बन जाएगा अब हम जानते हैं एंग्लोमैंटम एल वन एंड एल टू तो इसमें इक्वल ही है यानी कि मोमेंटम दोनों के इक्वल है। हैं प्रेजेंट एंड न्यू के तो दोनों को इक्वेट अगर जब हम करेंगे तो हमारे पास जो ओमेगा डैश है वो हमारे पास फोर ओमेगा के इक्वल आ जाएगा एंड टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन में हमने डिफरेंस पता करना है तो टी डैश वन बाय फोर टी यानी कि टी की अगर हम वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दें वन बाय फोर टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का रेवोल्यूशन ट्वेंटी फोर टाइम्स होता है तो इसको डिवाइड करने पर सिक्स आवर्स है जो वो न्यू रेवोल्यूशन टाइम हो जाएगा यानी न्यू लेंथ ऑफ द डे है जो सिक्स आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ को हाफ कर दें ना उसके बाद हमारे पास थर्टीएथ क्वेश्चन है थर्टीएथ नुमेरिकल है होमोजीनियस डिस्क ऑफ टू के ऑफ रेडियस फिफ्टीन सेंटीमीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सेज विद एंगुलर विलोसिटी फोर रेडियन पर सेकेंड द लीनियर मोमेंटम ऑफ द डिस्क इज़ तो ये भी नमेरिकल है थर्टीएथ नमेरिकल ये भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको तो हमारे पास हमको पता एल इज इक्वल टू आई उमेगा के इक्वल है एल इज द एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इज एंगुलर वेलोसिटी ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखेंगे हाफ एम आर के इक्वल नाउ नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास हमको इसमें गिवन है हम इसमें जो वैल्यूज है इसमें सब्सिट्यूट कर देते हैं सभी तो हमारे पास ये आ जाएगा वन बाय टू और इसमें मास हमको टू के जी गिवन है एंड रेडियस हमको फिफ्टीन सेंटीमीटर दिया है तो उसको हम डिवाइड कर देंगे हंड्रेड से मीटर में कन्वर्ट करने के कर लिए उसका स्केयर करने पर हमारे पास जीरो पॉइंट जीरो टू टू फाइव के इक्वल आ जाएगा मोमेंट ऑफ़ एनर्शिया नाव हमने मोमेंट ऑफ एनर्शिया हमको पता चल चुका है हमने uh, जो है वो कैलकुलेट करना है एल इज़ इक्वल टू यानी एंगुलर मोमेंटम जो कि आयुमेगा के इक्वल होता है तो जीरो पॉइंट जीरो टू टू फाइव को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फोर यानी कि एंगुलर वेलोसिटी हमको फोर रेडियन पर सेकंड गिवन है तो मैं यहाँ पे ऊपर कर रहा हूँ इसका आगे का सोल्यूशन यहाँ पे तो इसमें एल की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास एल की वैल्यू कैलकुलेट करने पे ज़ीरो पॉइंट जीरो नाइन के इक्वल आ जाएगी ओके okay. अब हमारे पास एल भी आ चुका है और हमारे पास जो आर है ऑलरेडी गिवन है तो पी इज इक्ल टू एल अपॉन आर कर देंगे तो हम तो जीरो पॉइंट जीरो नाइन और रेडियस हमको इस मेरिकल में गिवन है वो हमारे पास 15 सेंटीमीटर के इक्वल है जिसको हम 0.15 में कन्वर्ट कर चुके थे यानी कि हमने उसको सेंटीमीटर से मीटर में बना लिया था तो हमारे पास जो फाइनली मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी वो 0.6 पॉइंट सिक्स के जी सेकेंड के इक्वल आ जाएगी जो कि हमारी ऑप्शन नंबर मीटर पर सेकेंड के जी मीटर पर सेकेंड के इक्वल आ चुकी है जो कि हमारी ऑप्शन नंबर सी इज़ द इसमें राइट right हो चुकी है ना उसके बाद हमारे पास थर्टी फर्स्ट नमेरिकल है टू सर्कुलर डिस्क हैव द मासिज इन द रेशियो ऑफ वन रेशियो टू एंड डायमीटर टू रेशो वन द रेशो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू देयर रिस्पेक्टिव सेंटर्स एंड परपेंडिकुलर टू देयर प्लेन्स इज तो ये भी न्यूमेरिकल बहुत ईजी है यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं हम इसको तो थर्टी फर्स्ट के लिए हमको पता है कि हमारे पास दो डिस्क हैं तो एक का अगर हम मास हमने एम वन लिया एम वन मान लें या एम मान ले दूसरे का जो रेडियस हो डबल है टू आर के इक्वल क्योंकि वन रेशो टू गिवन है हमको और दूसरी डिस्क के लिए हमको जो मास है वो हम टू एम ले रहे हैं क्योंकि इसमें टू रेशो वन गिवन है और जो डायमीटर हमारा आ, रेडियस है वो आर के इक्वल है तो इन दोनों को डिवाइड करने पर हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं एम आर स्केयर टू हाफ एम आर स्केयर हमारे पास फॉर्मूला होता है तो इसको अगर हम करेंगे तो ये एम टू आर होल स्केयर हो जाएगा डिवाइड बाई टू और ये हमारे पास हाफ टू एम आर स्केयर हो जाएगा और दोनों को डिवाइड करने पे हमारे पास टू रेशो वन है जो इनकी रेशो आ जाएगी जो कि हमारी ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी नाउ उसके बाद हम थर्टी टू तो में स्पेस चाहिए थोड़ी तो ये स्पेस हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है तो यहीं से हम कर लेते हैं थर्टी टू नमेरिकल तो आपको थर्टी टू नोमरिकल यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा उसी को ही मैं अभी सॉल्व करने वाला हूँ तो थर्टी टू नोमरिकल हमारा यहाँ पे शुरू हो रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास ट्वेंटी रफ ऑरिजेंटल सर्फेस अ फोर्स ऑफ वन टू टू पॉइंट फाइव न्यूटन इज अप्लाइड इन हॉरिजेंटली द ब्लॉक जस्ट बिगेन टू मूव द कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन हमने कैलकुलेट करना है तो म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर के इक्वल होता है हमारे पास तो एफ तो मास इंटू एक्सेलरेशन एंड ये मास इंटू ग्रेविटी तो मास से तो मास हमारा कैंसिल ही हो गया तो इसकी वैल्यू म्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले जो है एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा तो हमको फोर्स गिवन है तो फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन है फोर्स हमको गिवन है वन टू टू पॉइंट फाइव एंड मास तो हमने मास भी हमको ना ट्वेंटी फाइव तो एक्सलेशन हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये सॉल्व करने पे हमारा जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी फोर पॉइंट नाइन के इक्वल तो फोर पॉइंट नाइन हमने इसमें एक्सेलरेशन ले लिया और नाइन पॉइंट एट हमारा जो होता है वो ग्रेविटी की वैल्यू होती है तो जो कॉफिशियट ऑफ फ्रिक्शन है हमारा वो जीरो पॉइंट फाइव के इक्वल आ जाएगा और हमारी ऑप्शन नंबर इसमें ए इज़ द राइट आंसर थर्टी टू के लिए हमारी ऑप्शन नंबर ए है जो वो राइट right हो जाएगी तो थर्टी टूए के बाद अब हमारे पास जो नमेरिकल्स बच जाते हैं थर्टी थ्री से थर्टी फाइव तक वो भी हम कर लेते हैं जल्दी से तो थर्टी थ्री जो नोमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे एन आर्टिफिशियल सेटेलाइट ऑफ मास टू फाइव डबल जीरो इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ विद द स्पीड ऑफ फोर किलोमीटर पर सेकेंड एट द डिस्टेंस ऑफ टेन रेस टू पावर फोर किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉमुला हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम वी स्केयर अपॉन आर के इक्वल होता है तो सभी वैल्यूज यहाँ पे हमको गिवन है पहले से ही तो थर्टी थ्री का जो आंसर है हमारा उसको सॉल्व करने के लिए हम इसकी वैल्यूज को सब्सिट्यूट कर देते हैं टू फाइव डबल जीरो मल्टीप्लाई फोर हमारे पास है तो उसको टेन रेस टू पावर थ्री कर देंगे और इसका स्केयर क्योंकि इसको हमने कन्वर्ट कर दिया जो हमारे पास फ़ोर किलोमीटर पर सेकेंड है इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं हमारे पास डिस्टेंस गिवन है टेन एस टू पावर फोर और इसको भी हम टेन एस टू पावर थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि वो भी हमको किलोमीटर में गिवन है तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास फोर डबल ज़ीरो ट्रिपल जीरो न्यूटन के इक्वल आ जाएगा तो हमारे पास जो फोर्स है वो फाइनली हमारे पास फ़ोर्स यहाँ पर जो है सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर नाउ उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट नमेरिकल नंबर हमारा थर्टी फोर्थ नमेरिकल क्या है अ मैन ऑफ पहले इस uh, तो तो हम इसमें हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं तो हाइट के लिए हमको थर्टी तो हमारे पास टोटल स्टेप्स हैं थर्टी स्टेप्स हैं और हर एक स्टेप की जो हाइट है वो हमारे पास ट्वेंटी सेंटीमीटर है एंड इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीट तो टेन एस्ट पर माइनस आ जाएगा और ये हमारे पास सिक्स बन जाएगा यानी कि सिक्स मीटर जो है हाइट आ जाएगी तो इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं मास तो हमको गिवन है सिक्सटी के जी के इक्वल ग्रेविटी हमने इसमें लेनी है हमको गिवन है ग्रेविटी हमने टेन लेनी है और जो हाइट हमने सिक्स कैलकुलेट की है और टाइम हमको इसमें गिवन है फोर्टी सेकेंड के इक्वल तो ये हमारे पास कैलकुलेट करने पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नाइन्टी वॉट के इक्वल आ जाएगा यानी कि जो हमारी पावर है वो नाइन्टी वॉट के इक्वल हो जाएगी जो कि हमारी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट right आंसर मतलब कि थर्टी फोर्थ निकल के हमारे नाइन्टी वॉट बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर आ जाएगा यानी कि पहले हमने हाइट कैलकुलेट कर लेनी है नाउ इसके बाद हमारे पास लास्ट नमेरिकल है नमेरिकल मतलब कि क्वेश्चन बिल में हमारा लास्ट है थर्टी फिफ्थ थर्टी फिफ्थ के लिए हम देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा हमको हमको गिवन एस में रॉकेट विद अ लिफ्ट ऑफ मास थ्री पॉइंट फाइव टेन एस टू पावर फोर के जी एंड ब्लास्टेड अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एंड द इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट और हमने ग्रेविटी भी वैल्यू लेनी तो हम जानते हैं इसमें टी माइनस एम जी थ्रस्ट का हमारे पास फॉर्मूला होता है और टी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे सिंपली आ जाती है एम इन टू जी प्लस ए के इक्वल तो मास तो हमको थ्री पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई टेन एज टू पावर पावर फोर के इक्वल गिवन है दोनों वैल्यूज़ ग्रेविटी एंड एक्सेलेरेशन दोनों ही टेन है तो ये ट्वेंटी आ जाएगा तो हमारे पास थ्री पॉइंट फाइव टेन एस टू पावर फोर मल्टीप्लाई ट्वेंटी करने के बाद फाइनली सेवन पॉइंट जीरो टेन रेज टू पावर फाइव न्यूटन आंसर आ जाएगा जो कि हमारी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर तो स्टूडेंट्स ये था आपका वीकली रिवीजन टेस्ट जो फिर से शुरू हो चुके हैं आपके वीकली रिवीजन टेस्ट ट्वेंटी नाइन से शुरू हो चुके हैं ये और कल को फिजिक्स का जो है वीकली रिवीजन टेस्ट है तो आई होप स्टूडेंट्स इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी आप मेरे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ओके स्टूडेंट्स कीप स्टडिंग टेक केयर एंड बाय